आपको फिटनेस फैक्ट्री बहुत सारे फिटनेस जिम है, बट व्हाट इज समथिंग वेरी यूनिक अबाउट दिस एंड समथिंग अबाउट गोविंदा जी ने आज खाली इनॉग्रेशन किया उसके बारे में बताना चाहते हैं। अरे क्या यार, यस फिटनेस फैक्ट्री एक बहुत ही यूनिक कंसेप्ट है, पार्ट ऑफ द अपार्ट क्लास है। इसमें द बेस्ट पार्ट इज दैट कि हमने सारी की सारी फैसिलिटीज़ जो है एक ही स्टोर पे दे दी है। यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर एल्स, यू हैव टू फिटनेस ले लीजिए, जुम्बा ले लीजिए, योगा, पावर योगा, डांस, स्पिनिंग स्टूडियो, दिस इज 24/7, एंटायर थिंग इज अंडर वन रूफ। This is all about fitness factory. We are coming up with the very new things that other gyms don't have as of now. Before starting this fitness factory, that my partner Mr. Deepak Patel, we have visited almost 6 countries to start up this fitness factory. What is the international level of the gymming? We are providing the international level of the gymming in India now. This is our second branch. Successfully, first branch is completing first year in next. On 17th of August, so this is our second branch. We are coming across India with the branch. Govinda sir, आप fitness को लेके कितने conscious हैं और किस तरह रोजाना कुछ करते हैं fitness के लिए? क्या आपका regime होता है? मैं आजकल speeches नहीं देता। What I want to say that I would like to congratulate you, Deepak ji, Jatinder ji, आप। ये थोड़ा नया कॉन्सेप्ट लगा मुझे, थॉट इसमें ये अच्छा लगा कि यू डोंट हैव टू रश फ्रॉम हियर टू देयर कि ये चीज़ के लिए उधर निकले, इसलिए चीज़ के लिए उधर रश करना है, ऐसा नहीं। एक जगह पे आपको ऐसे सुविधाएं हो जाए जहाँ पे तकलीफ़ नहीं हो किसी प्रकार की, और साथ साथ जो मुझे लगता है, जैसे मैं हूँ, मैं योग प्राणायाम ज़्यादा किया करता हूँ, और योग प्राणायाम के साथ जिम में आप आए तो ऐसा माहौल मिल जाए कि ऐसा लगे कि भैया ये सब जो हो रहा है सब नेचुरल है, और साथ साथ यहाँ का माहौल देखकर ऐसा लगे कि यह थोड़ा जिम करें और थोड़ा अपना अपने आप पे रिफ्रेश हो जाए, ऐसे वॉक करें। और टीना यहाँ पे कह रही थी कि आप यहाँ पे आप आइए और आप मुबारकबाद देना चाह रही कि मैं यहाँ पे आऊँ। मेरी फिल्म का सुपरहिट गाना था जोरू अगलाब बन के रहूँ। सुविधा इज सेइंग कि आप यू हैव टू गेट जॉइन विद दिस। व्हाट आई वांट टू से, विश्वानि देव सवितुरितानि परासनो यद् भद्रं तन्नासनो त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमे वन्दनान् मृत्युर्भक्ष्य मामता काल हर दुख हर दारिद्र हर कष्ट हर रोग हर हर महादेव। वो इसलिए कि आप फिट हिट, आपकी ज़िंदगी में पहला सुख जो है और जो कष्ट से पहले कष्ट से जो निकालता वो आपका अपना स्वास्थ्य। तो स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे, ये मैंने ही पहले सबसे पहले स्टार्ट किया था और वो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे ये माहौल मिलेगा। तो गॉड ब्लेस एंड ऑल द बेस्ट, आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट। नहीं जी, आपने बीच में आपने थोड़ा वजन बढ़ा दिया था इस साल, लेकिन आफ्टर काफी मेहनत के बाद लाइक अगेन यू आर स्लिम एंड फिट, तो वो प्रोसेस आपने भी देखा है, तो उसके लिए क्या क्या कहना चाहोगे उन लोगों के लिए जो पहले फिट थे, बीच में शायद कुछ कारणों से लाइक यू नो दे आर नॉट बैक, फिर वापस से वो मेहनत करके आए, तो कुछ आप अपनी बीती हुई एक्सपीरियंस या उनके शेयर करो। मैं मेरी बीती यहाँ पे नहीं, इंस्पायर करो, इंस्पायर करने का इंस्पायर करो लोगों को। एक मिनट क्या भाई, थोड़ा बहुत कुछ आपने भी तो बहुत मेहनत की है एक्चुअली। हाँ, मैं वापस जो कम बैक टू मेहनत तो किया करता हूँ, उसका पर्याय नहीं है मेरे पास। यू हैव टू वर्क हार्ड, और मुझे ऐसा लगता है कि हर आदमी में हीरो तो हुआ ही करता है, और उसका जो एक्टर है उसका जो मुझे लगता है कि एक्टर का जो फैक्टर हुआ करता है वो फिटनेस फैक्टर से वो कैसे इम्प्रूव करें लाइफ के अंदर, आगे निकले और हार्डवर्क करें, यही जो है महत्वपूर्ण होता है मेरी अपनी सोच है। गोविंदा जी, यंग स्लॉट में बहुत सारे एक्टर्स हैं जो फिटनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, आपके हिसाब से कौन फिटेस्ट एक्टर है? अगर यंग स्लॉट की बात करें, वरुण, रणवीर है,
रणबीर है, कौन है आपके हिसाब से फिटनेस में? आज की तारीख में बिना पैसे दिए तारीफ कौन कहा हो? मुझे ऐसा लगता है कि जो अंदर जो फिट हुआ करते हैं वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। ऐसा लगे कि जो सही है, मतलब ऐसे फ्रेम बहुत अच्छा नज़र आए और अंदर से पार्टी हिली हुई हो। आई मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली जो आदमी फिट होता है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। गोविंदा सर, आजकल लोग इंटरनेट से काफ़ी इंस्पिरेशन लेते हैं फिटनेस के लिए, काफ़ी ब्लॉग रहते हैं, बट काफ़ी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे ऐसा भी होता है जो यू नो इट्स नॉट वेरी करेक्ट और इट्स नॉट वेरी वैलिड, तो आप उनके आपका क्या व्यू है इस पे? यू नो आप क्या टिप्स देंगे कि फिटनेस के लिए लोगों ने इंटरनेट से ही नॉलेज देना चाहिए या यू नो दे शुड फॉलो समथिंग ऑन देयर ओन? हर आदमी समझता है कि वो क्या सही है और थोड़ा वर्क करे एकदम जिसको समझ रहा हो तो वो कहते हैं वो फास्ट नहीं करे, थोड़ा अपना सोच के समझ के हार्ड वर्क करे तो वो ज़्यादा अच्छा है। जैसे आप कह रहे हैं आपके सवाल में ही आपका जवाब होता है। मैं पॉलिटिकली यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। आप हंसी नहीं, आप हंसी मैम आपसे कृपया यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा। मैम वो ProSlim के बारे में व्हाट इज समथिंग अबाउट ProSlim स्पेशली क्या एग्जैक्टली? मैं केवल और मैं क्षमा प्रार्थना करता हूँ आपके यहाँ पे नहीं बिल्कुल जी सर, तो मैं बहुत ही खेल प्रदान करता हूँ पूरे परिवार को मेरी सेवा रही और बहुत ही स्वभाव था ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। बेसिकली ProSlim इज अ कॉन्सेप्ट वेयर इन आप एक सिंगल पर्टिकुलर एरिया में अगर इंच लॉस, कॉन्चरिंग, टाइटनिंग, टोनिंग ऐसा कुछ भी अगर आपको चाहिए तो फिटनेस फैक्ट्री के साथ हमने ProSlim का कॉन्सेप्ट इसीलिए रखा है। तभी जतेंद्र एंड दीपक जी हैड अ कॉन्सेप्ट कि एवरीथिंग हैज़ टू बी अंडर वन रूफ। सो आई एम इनटू इंडस्ट्री ऑफ स्लिमिंग पास्ट 18 ईयर्स, तो हमारी पूरी कोशिश है कि किसी को कोई भी तरीके की मेडिकल इश्यूज हो और हम कोई भी तरीके से वो अगर हमारे द्वार पर आए तो उसकी सारी पर्पस हमसे सॉल्व होने चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि काफ़ी सारे आर्थराइटिस लोगों को यू नो डॉक्टर्स कहते हैं कि आप जिम ना करो तो हमसे निराश होके ना जाए। सो एवरी पर्पस इज सॉल्व व्हेन अ पर्सन एंट्री इनसाइड द फिटनेस फैक्ट्री इन ProSlim। सो वी आर हियर इन मुंबई टू क्रिएट द जेन्युइन अवेयरनेस how fitness will go and will make everybody to lose weight and feel great. Okay? Govinda ji, kabhi muscle ko, kisi ko muscle ne ke liye kabhi kaam hum kabhi hua raha tha kabhi? Aisa lagta hai basic technique for all technicalities is a fitness. To aap, aur ye fitness factory hai, to it's a basic technique for all type of टेक्निकलिटीज की यहाँ से शुरुआत होती है। तो आप जितनी ज़्यादा टेक्निकली आप करेक्ट रहेंगे उतना ज़्यादा आप ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। गोविंदा सर, डेविड जी आपकी सुपर हिट फिल्म कोई नंबर वन का रीमेक बना रहे हैं वरुण धवन के साथ, आप क्या कहना चाहेंगे? आपने बात की है उनसे, उस पर कुछ सजेशन देंगे वरुण को? बिना पैसे लिए ये सब क्या करेंगे? बट आपकी हिट फिल्म थी गोविंदा सर, मैं डिस्कस नहीं करूँगा प्लीज़, क्योंकि जितनी टाइम मैं ये आप लोगों के लिए पूछे हुए प्रश्नों का जवाब देता हूँ उसे अपने अपने तरीके से लोग छाप के प्रेजेंट कर देते हैं, फिर उसमें से फिर और टॉपिक निकलता है। क्या डिस्कस करना सर? वीडियो कैमरा है यहाँ पे, कुछ ऐसा ये नहीं होगा। हाँ आपके सिर्फ व्यू जानने पे कोई आपकी सुपर आप पर लोग ये कहेंगे कि कॉमेंट किया ही नहीं तो छापेंगे नहीं। गोविंदा सर,
अक्सर बातें आती हैं कि गोविंदा सर के अब रिश्ते डेविड धवन सर से उतने अच्छे अब नहीं रहे, कुछ उस पर कुछ एलिब्रेट करें, उन्हें कुछ जवाब दें। इस विषय पे अभी चर्चा नहीं कीजिए, डिस्कस नहीं कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह हम जीवन में अपनी स्वस्थता का ख्याल किया करते हैं, उस तरह से जो हम टॉपिक निकाल रहे होते हैं वो भी स्वस्थ होना चाहिए। मतलब हर हाल में क्या डिस्कस कर रहा है, ये सब काम करें, हार्डवर्क करें, आगे बढ़े। दीपक जी आपसे जानना चाहेंगे, युवा उत्सव का पार्टनर गोविंदा जी यहाँ आज, उनके शुभ हाथों से यहाँ जो ओपनिंग हुई है, क्या कहना चाहोगे? और भाई बोलो, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, हमारे ड्रीम हीरो रहे हैं, जिंदगी में सबको हराते रहे, जो बहुत जरूरी है। अच्छे वो मुझे बचपन से फेवरेट हीरो रहे मेरे, और हेल्थ इंडस्ट्री की ज़्यादा बात है तो मैं देख रहा हूँ पूरे वर्ल्ड में काफ़ी अवेयरनेस है, हम लोग काफ़ी पीछे थे, तो हमने मेरे पार्टनर से डिस्कस करके, दत्तिंदर जी से डिस्कस करके किस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट लेके आए हैं जो आपको कहीं देखने को नहीं मिले। अब मीडिया पीपल से भी मेरी अनुरोध है कि आप भी एक बार ये सब इंस्ट्रूमेंट देखिए, ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स किसी भी जिम में आपको इंडिया में कहीं देखने को नहीं मिले, मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स। तो मेरी और सर की कोशिश रही है कि हम बेस्ट टू बेस्ट हमें इंस्ट्रूमेंट क्या देखते हैं, एक बहुत सिंपल सी चीज, समाज में अच्छा काम ऐसा करते रहें जो सबको हेल्प भी दें, प्रॉस्पेरिटी दें, और साथ में हम भी प्रॉस्पर हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। वो बहुत ही प्रेरणा स्रोत है और मुझे ऐसा लगता है कि देश में ऐसा उत्तम कलाकार मुझे लगता है कि मैं तो नहीं देखा भैया महमूद जी जैसा, मतलब कि वो प्रसिद्ध हुए अपनी कॉमेडी के लिए, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि जो अभिनय वो करते थे, जिस तरह के वो किरदार निभाते थे, चाहे जिस टाइप के हों, वो मुझे ऐसा लगता है कि कमाल करते हैं, और न भूतों न भविष्यते टाइप का वो वक्त था, और आज भी मैच नहीं उस लेवल के, मुझे मैं क्षमा माना चाहूँगा सब आर्टिस्ट लोगों से, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि वो उस हद में थे, और बहुत कमाल की बात है जो लोग जिससे अवगत नहीं होंगे शायद कि वो बहुत ही सूफी थे और एक अलग लेवल पे उनकी सोच चलती थी। मुझे उनके साथ में जब मैं फिल्म लाइन पर डिस्कस किया तो मुझे ऐसा लगा बहुत सूफी और बहुत ही अच्छी नेचर, वेरी नाइस। तो अपने अगले जब लास्ट क्वेश्चन, आने वाले प्रोजेक्ट या कुछ अपने प्रोडक्शन के कुछ वर्कआउट हो रहा है, क्या हो रहा है? अभी मैं अपनी फिल्म का भी यहाँ पे तो Thank you.
been one of my favorite passions. You can say I have many passion, but fitness comes first. And a lot of people know that I had gained a lot of weight a few years back, and you know, with the right guidance and right diet, I have kind of toned myself up and, you know, lost a lot of weight. So being associated with a brand, with a gym that is like, you know, of fitness and things like that, so I feel really happy and really grateful. Your dad was also inaugurated, like, he had also put a little break in between. Yeah. You said, how much do you motivate yourself? Are you able to guide him a bit? Yes, I think it was equally, because it's very important ki, you know, your friends and your family should always be very motivating towards you, because it can be a little depressing when you put on weight. Mujhe kabhi kabhi aisa lagta tha ki, you know, just to give up, but I feel blessed that I had the right friends and the right guidance and very supportive parents who just like, you know, it's okay, fine, khali hai, toh koi problem nahi hai, kind of a thing. So usme main bach gayi, because yeah, luckily, like everyone, we all are Punjabis, so you know, kabhi bhi aisa lagta tha ki mujhe ki maine bahut zyada kha liya, to mom used to be like, nahi, it's okay, nahi to face ka glow chale jayega. So it's like, kale, kale. So it was a good, it was a fun journey, but yeah, I'm still getting there. What is something special about this group? Like, something along with, so, how really works? Yeah. I have honestly, this is something very new to me, and I'm looking forward to seeing ki what is ProSlim myself. Because abhi to filhal bada jo bhi kiya hai gym mein bahut mehnat karke aur right diet karke kiya hai, but I'm sure it's going to be something interesting, because if we get some additional boosting of weight loss, matlab like in a sense, if there's an additional thing that can boost in the weight loss process, or you know, can help us during that journey of achieving our goals, so I think it can be yeah, like how a often you feel fitness huh? Sorry? How often you gonna fit this growth? How? How often you gonna fit this fitness factory? I hit this floor, okay. Yeah. How from often tomorrow, are you to, from tomorrow onwards I'm gonna be here. You're gonna be seeing me every day. So who inspires you for the fitness? Honestly, it's my fitness guru and my fitness mentor, that's Virat Samalkar. He has been my mentor in this entire journey. So he's the first person I can say that, you know, he inspires me, and he's the one who's actually guided me throughout my whole journey. He and his entire team has worked with me in this entire journey. So yes, definitely it's him first. You know, what are the things that you normally follow during your fitness name in fact? So for everyone, whether it's a youth or you know elders or everyone, I would say that take one day at a time, be honest, enjoy the process, have a pizza, have a burger if you feel like eating, get back on track. It's okay to cheat. And love yourself, because if you don't love yourself, this entire journey will not be so much fun the way it will be when you start loving yourself, and you'll actually enjoy the entire process. Sorry, ma'am, I would like to share your brand with us, and how you would be and how are you looking forward from her? First of all, I am so happy that, you know, we are starting Andheri brand with she as the brand ambassador, nice. And she agreed to be, it is like, we are obliged. And definitely coming to how we can help her, see, we all know it, how are their lifestyles. So, you know, they are not able to hit so very often the fitness and the gym and everything. So being in the roof, we are going to assure her that we are throughout going to be with her. Whenever she go heavy, any kind of projects comes up, she want to have that lean look, all of sudden the 15 days workout, you know, then we are throughout with her whatsoever it is. You would never find her in any of our movie, whichever way we're coming up, that she's out of so-called shape. ProSlim would be always with her whatsoever. How sweet. And even Fitness Factory and even my trainers, because I owe it to them as well. And this is like, you know, I would definitely want to try the entire this thing, because it'll be like a nice icing on the cake. But yes, it's going to be my first experience, and I'm looking forward to it. Will not let you down. This is your second so what is special about this happening to me? What are you all giving? See, first of all, we have 100 plus equipments here in this class.
and we have a jacuzzi with us. Usually gyms mein nahi rehta hai. So you can say that we are very soon starting getting a AAA rating for that. We are working on that. So it is going to be a 7-star gym for the entire country. Anyway, we wanted to see you on the website, like what's happening, how are you looking through your projects, बहुत ही जल्द अभी मेरी एक शॉर्ट फिल्म आने वाली है, इट्स कॉल्ड लव टिंडर एंड मैंने एक म्यूजिक वीडियो किया है रांझा, दैट विल बी कमिंग आउट एंड अ फ्यू प्रोजेक्ट्स दैट हैव कम टू मी व्हिच आई हैव काइंड ऑफ जीरो डन इन द अनाउंसमेंट्स आएंगे जल्दी। डैड के साथ आई वुड लव टू वर्क विद हिम, आई वुड लव टू वर्क विद हिम बट देयर शुड बी समथिंग दैट शुड बी वर्थ कमिंग ऑन स्क्रीन विद हिम। यस acting may go to. I would love to work with everyone. Okay, thank you so much. Thank you so much.